खुशियों की बहार साथ लेकर आया तीज का त्यौहार। टाइम्स पंजाब की तरफ से सारे पंजाबीज को तीज के इस ब्यूटीफुल फेस्टिवल की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी हाँ, आज हम पहुँचे एक होटल में जहाँ पर तीज का फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। अपने पंजाबी विरसे को कोई ना भूले, सब अपने पंजाबी संस्कृति के साथ जुड़ कर रहें, इसके लिए ये तीज फेस्टिवल यहाँ आज मनाया जा रहा है। और यहाँ पे छोटे बच्चे भी खूब मस्ती कर रहे हैं, गीता डाल रहे हैं, भंगड़ा डाल रहे हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं इस मस्ती भरे माहौल में और दिखाते हैं आपको इस ब्यूटीफुल तीज के फेस्टिवल की कुछ झलकियाँ। फेस्टिवल बहुत ही ब्यूटीफुल ढंग से मनाया जा रहा है। अपना अपने पंजाबी विरसे और सभ्याचार को याद रखते हुए यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल मुटियार्स हमारे साथ खड़ी हैं। तो देखते हैं इतना ब्यूटीफुल रेडी होने के बाद इन सबको तीज के बारे में कितनी नॉलेज है। हेलो मैम, हाउ आर यू? व्हाट्स योर नेम? रिपु गिल। ओके मैम, आप इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, इतने गॉर्जियस लग रहे हैं, आप तीज के बारे में क्या बताना चाहेंगे कि तीज फेस्टिवल बेसिकली क्यों मनाया जाता है? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਿਪੂ ਗਿੱਲ। ਤਾਂ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਤੀਜ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰਨਾ ਅੱਜ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਸੀਪੈਂਟਸ ਨੇ ਬੜਾ ਰਜਵਾ ਔਰ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਵੱਲ ਪਾਰਟੀਸੀਪੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा आपने एक मैसेज दिया यहाँ के यूथ को और लोगों को, स्पेशली जो हमारे पंजाबी विरसे को भूलते जा रहे हैं। हेलो मैम, कैसे हैं आप? कैसे लग रहे हैं? हेलो, कैसे? हेलो, बहुत बढ़िया। कैसे लग रहा है यहाँ पे आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आकर, बिल्कुल। आज आपने क्या पार्टिसिपेट किया यहाँ? मैंने यहाँ पे रैंप वॉक की है यहाँ पर। यहाँ कैसे रही आपकी? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं हम यहाँ पर। आप तीज के बारे में क्या बताना चाहेंगे? जैसे मैम ने तो बहुत अच्छा मैसेज दे ही दिया, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि जो तीज है, तीज भी तीन तरह की होती है, हरियाली तीज, कजरी तीज और हरतालिका। और हम ये जो तीज होता है तियां का त्यौहार, और इसमें सावन के महीने में जब सारी तियां भैणा जदों इकट्ठियां हो के झूला झूलदियां ने, अपना छोला शिंगार करदियां ने और शिंगार करके दाल में नचदियां टपदियां ने, अपने पंजाबी विरसे नूं याद करदियां ने। इसी तरीके नाल बहुत अच्छा असीं इंजॉय कर रहे हैं, इत्थे बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू। थैंक यू मैम। हेलो मैम, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बढ़िया। इसके लिए हम कह सकते हैं कि तीज का एक कलर पहन के, कौन सा कलर होता है तीज का? ग्रीन, 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 ग्रीन। ओके ओके, अभी तो इसको हरियाली तीज कहते हैं। चलिए मैम, हम आपसे ये पूछते हैं कि जो तीज का एक हम कहते हैं ना कि फेवरेट मिठाई जो सदियों से चली आ रही है, वो कौन सी है? वो सेतु के लड्डू। आपको पता है मैम, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली हम लोग किस मिठाई के बारे में बात करते हैं ज्यादातर? यहाँ पे लोग ज्यादा तो खीर और मालपुड़े या घेवर, हाँ, जा घेवर खाते हैं। एक्चुअल हम कह सकते हैं कि जो तीज फेस्टिवल की एक्चुअल मिठाई है वो मैम ने मेंशन कर दी। वेरी गुड, हैट्स ऑफ टू यू। हेलो, आप कुछ नहीं कह रहे, इतने ब्यूटीफुल आप लग रहे हैं। थैंक यू। चलिए आप ऐसा करिए, तीज विश ही कर दीजिए सबको। हेलो एवरीवन, आप सबको मेरी ओर से तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हम सब मंगलमय रहें और सुहागन बनी रहें। थैंक यू सो मच मैम। हेलो, यू आर लुकिंग वेरी गॉड। थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज बबनप्रीत। मैम, अब हम आपसे पूछते हैं कि तीज कितने टाइप्स की होती है? बेसिकली थ्री टाइप्स की तीज होती है, हरियाली, हरतालिका और कजारी। ये तीज डिफरेंट डिफरेंट इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में मनाई जाती है। हाँ, सबको यही मैसेज दे रही हूँ कि सबको मनानी चाहिए, खुश रहें, ऐसे इंजॉय करते रहें।
जो ऐसे ही मिलते रहे, हाँ, मिलते रहे, ऐसे ही गपशप होती रहे, आप लोगों की मीटिंग होती रहे, हाँ, रैंपोक होती रहे, रैंपोक होती रहे, मतलब तीज को मॉडर्नाइज करते हैं आपने, हाँ, प्लेटफॉर्म मिलते हैं सबको, ऐसे सब आगे जाते हैं, थैंक यू सो मच मैम. हेलो, कैसे हैं आप? व्हाट्स योर नेम? प्रभजोत. तो मैम, तीज के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन तो हमने दे ही दी है, आप क्या कहना चाहेंगे तीज के बारे में? हमारा पूरा ग्रुप ही यहाँ पे मर्ज करा हमने 20 मेंबर्स का, तो हमने इवन वो कहते हैं ना कि एक पूरा एंजॉय करने का प्लान बना के आए हैं कि यहाँ पे जो रैप फॉर्म्स है, डांसेस हैं, परफॉर्मेंस है, एंड गेस्ट ऑफ ऑनर, मैं तो गेस्ट ऑफ ऑनर भी हुई यहाँ पे. तो यहाँ पे जो इवेंट ऑर्गेनाइज करा है रिपू वर्मा एंड संजीवनी और सब ने मिल के उन्होंने, तो बहुत अच्छा इवेंट करा है ऑर्गेनाइज, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म देना पंजाबियों को, पंजाबी तो जहाँ इकट्ठे होते हैं वहाँ गपशप और डांस चलता ही चलता है ना, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम मॉडर्नाइज हो गए, उसके साथ हमने अपना कल्चर नहीं छोड़ा, कहीं ना कहीं हमारे इवन शक्ति होनी चाहिए जिससे हम लोग अपना वापस अपनी कहते हैं ना जड़ों से जुड़े रहना चाहिए, तो ये जड़ों से जोड़ने का एक प्रयास. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बच्चों ने खूब एंजॉय किया, पंजाबी भाषा से जोड़ने के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. सबसे बड़ी बात है हमारे बच्चे हमारे कल्चर को जान लें, हमें तो चलो पता ही है, बट जो हमारी न्यू जनरेशन आ रही है ना उसके लिए एक बड़ा अच्छा मैसेज भी है कि हमारे इवेंट्स होते हैं तो बच्चे भी परफॉर्म करते हैं, पंजाबी वियर्स करते हैं, नॉर्मली हम लोग वेस्टर्नाइज हो गए, बट एक इवेंट होता है कि तीयों का जो महीना होता है हम लोग फुल एंजॉय पंजाबी करते हैं. आपने देखा, ये थी हमारे साथ कुछ ब्यूटीफुल मुटियास जिन्होंने तीज के बारे में बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए, और हमने ये भी देखा इतने ब्यूटीफुल इतने गॉर्जियस होने के बाद भी वो अपने पंजाबी विरसे के साथ अपने पंजाबी सभ्याचार के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हमें दिखाई दिए, उनको तीज के बारे में भी पूरी नॉलेज है. तो होपफुली आने वाले टाइम पे भी हम कहते हैं कि बच्चों के साथ भी वो ऐसे ही तीज का फेस्टिवल मनाते रहे ताकि आने वाली जनरेशन भी इस सभ्याचार के साथ पंजाबी विरसे के साथ जुड़ी रहे. होपफुली आप सबको बहुत मज़ा आया होगा और हमने भी यहाँ पर शेयर किए बहुत ही वंडरफुल मोमेंट्स. थैंक यू सो मच कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरीकर. थैंक यू.